एंड्रॉयड प्लस आईफोन के अगर मास्टर बनना है तो जून 27 का बुकिंग चल रहा है, जिसमें फ्यू सीटें लेफ्ट है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये जो हैंडसेट है फ्रेंड्स, इसमें पावर एसी लीकेज था, तो ये लीकेज कंडीशन में आया है, तो इसमें शॉर्टिंग भी था। तो क्योंकि सीपीयू पे काम करने करके लोग जो है ना पावर वगैरह भी डेड कर देते हैं, लीकेज कर देते हैं, फ़ोन डेड कर देते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं पावर भी हमने यहाँ पे उठा लिया है, तो पावर एसी रिवॉल्व करके लगाएंगे और डाल के चेक करेंगे क्या हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स पावर एसी जो है सीपीयू के जस्ट पीछे होती है इसमें, तो हमारे पास जो हैंडसेट आया डेड कंडीशन में, लीकेज कंडीशन में आया, पावर एसी शॉर्ट है, तो हम इसको यहाँ पे पावर भी खोल लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। देख सकते हैं पावर एसी भी हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। और ये लाइव क्लासेस होते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद में, एंड्रॉयड के साथ एप्पल का फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है अभी। अगर आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो एंड्रॉयड के साथ आईफोन के मास्टर बनिए, क्योंकि काम कोई भी आपके साथ आ सकता है। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम पावर एसी रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद सीपीयू भी क्लीन करके रिवॉल्व करके आपको लगा कर बताएंगे। हीट जो रखनी है 280 पे रखनी है, एयर जो है 2 पे रखी है रिवॉल्विंग के लिए, देख सकते हैं। तो चलिए पावर एसी यहाँ पर हमने लगा ली है। जैसे आज हम A10 आईफोन 7 का सीपीयू बना रहे हैं, तो इसको पूरा देखिए आप कैसे बनाना है, क्योंकि फ़ोन फिक्स हैदराबाद में एंड्रॉयड प्लस आईफोन का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A10 सीपीयू को कैसे बनाना है, सारा चीज़ डिटेल में बताया है, पूरा वीडियो देखिए एंड तक। सबसे पहले साइड का ग्लू आपको कट करना है, 250-240 में हीट रखनी है आपको, और साइड ग्लू पहले सबसे पहले रिमूव करिए। इस तरह के आपको ग्लू रिमूवर ब्लेड्स बहुत सारे मिलते हैं, ये थोड़ा सा बारीक वाला पतला सा लेना है आपको, ताकि पास में बग कॉइल्स लग कर रहे सीपीयू के, तो ऐसे में कॉइल वगैरह डैमेज हो सकता है। सिर्फ ग्लू को आपको कट करना है, पीसीबी को बिल्कुल कट ना करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर से हम पीसीबी को घुमा घुमा कर आप साइड का ग्लू कट कर लीजिए। देख सकते हैं इस तरह के आपको हैंडल्स आते हैं, ध्यान ये रखें पीसीबी को बिल्कुल डैमेज मत करें, सिर्फ ग्लू को आपको रिमूव करना है, ताकि कंपोनेंट जो है हम सीपीयू उठाएं तो निकल के ना आए। ये देख सकते हैं सीपीयू हम यहाँ पे उठा रहे हैं, 350 हीट रखिए, एयर 2 से 3 रखिए, देख सकते हैं सीपीयू हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको पीसीबी को क्लीन करना है। इस तरह का प्रैक्टिकली आपको काम सीखना है तो आप फ़ोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली लाइव क्लास बता रहे हैं कैसे आपको करना होता है। हालांकि सारी चीज़ डिटेल में आपको क्लास में सिखाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आती है बारी सीपीयू की, तो सीपीयू सबसे पहले क्लीन करेंगे और सीपीयू क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके लगाएंगे। देख सकते हैं सीपीयू बहुत आसानी से क्लीनिंग हो रहा है। इसके ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है, और ये सारा चीज़ आपको किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं दिखाएंगे करके, क्योंकि इसके लिए ट्रिक और टेक्निक्स चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड और आईफोन दोनों भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है फ़ोन फिक्स हैदराबाद में। इसको भी हम रिवॉल्व कर लेंगे। और सीपीयू कई बार, ये जो सीपीयू होता है ग्लास टाइप होता है, बहुत सारे लोग ओपन करने में ही डैमेज कर देते हैं, तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर हैंड स्किल नहीं होगा आपके पास, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये A10 सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो चुका है, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। अभी लगाएंगे और लगा करके चेक करेंगे क्या हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। बाकी फ्रेंड फ़ोन फिक्स हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पे हमको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस पर। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी नॉलेज आपको दी गई है, जा कर के देखिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस आ रहे हैं। और अच्छे से सीखने के लिए
प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है अगर आपको, तो ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोनफ्लिक्स हैदराबाद। दोस्तों काफ़ी सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, बस कीपैड पे काम आपको करा रहे हैं, या तो सिर्फ पावर और सीपीयू लगवा कर बस आईसी लगवाना आपको सिखा रहे हैं। बेसिक चीज़ होती है आईसी लगाना, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। मेन होता है फॉल्ट फाइंडिंग करना आपको। फ़ोनफ्लिक्स हैदराबाद में 3 से 4 दिन के अंदर आप आईसी लगाना सीख लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेन सिखाया जाता है फॉल्ट फाइंडिंग, डायग्नोस मेथड में आके फंस जाते हैं। पावर सीपीयू एमएमसी वगैरह तो आप डाल लेंगे, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट में यही दिखा रहे हैं आईसी लगाना, आपको बता रहे हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो आईसी लगाना तो आप यहाँ पे 3 चाहे 4 दिन के अंदर आप सीपीयू डाल लेंगे 4G हैंडसेट का, किसी भी हैंडसेट का, 4G 5G का। बट डायग्नोस मेथड आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि पावर बूट सीक्वेंस क्या है, डेड मोबाइल कैसे बनाना है, शॉर्टिंग कैसे रिमूव करनी है, सेक्शंस को कैसे रिपेयर करना है, सेक्शन कैसे काम करता है, LDO लाइंस क्या होती है, बक लाइंस क्या होती है, पावर के आउटपुट्स कब बनते हैं, क्या सिग्नल लाइंस होती हैं CPU MMC और DC to DC के बीच में कैसा कम्युनिकेट होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सारा चीज़ आपको क्लास में बताया जाता है। यहाँ पे भी आईफोन में भी फेस आईडी रिपेयर करना बता रहे हैं, आईफोन के CPU बता रहे हैं, 8 से लेके आपको ये 15 तक आप CPU कर सकते हैं, यहाँ पे NAND अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। आईफोन में तो 1 TB तक का भी हमने डाल दिया है स्टोरेज, उसको चेंज करके बढ़ा करके, तो आप भी सीख सकते हैं। काफ़ी सारा नॉलेज जो आपको फ़ोनफ्लिक्स हैदराबाद में मिलेगा, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा। A10 जो CPU आता है फ्रेंड्स आईफोन 7 में, थोड़ा सा साइड में कुछ डस्ट लग रहा है, इसको साफ़ कर लेते हैं। और अभी हम हैंडसेट को CPU को थोड़ा अच्छे से थोड़ा फाइनल टच दे देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, और उसके बाद हम डिस्प्ले लगा करके चेक करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और जहाँ भी जा रहे हैं सीख रहे हैं तो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, ये मत देखिए कि कितने ज़्यादा बच्चे बैठ के हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखिए कि किसके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आपको काम देखने मिलता है। फ़ोनफ्लिक्स हैदराबाद के फेसबुक पेज या यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाकर चेक करिए, कम्युनिटी पेज पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो डेली काम करते हैं उनके पोस्ट आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको इस तरह का रिज़ल्ट कहीं और के स्टूडेंट्स में मिलता है तो आप जा सकते हैं। बाकी काउंटर पे आपको काम करना है, सिर्फ टीचर का काम देखकर मत जाइए सिर्फ थाली मारने के लिए, खुद काम करिए, खुद पैसा कमाइए, खुद के लिए थाली दूसरों से मरवाने लगाइए और अच्छे से काम सीखिए और एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनिए। सिर्फ रिबॉलिंग के लिए मत जाइए, रिबॉलिंग करना बहुत बेसिक चीज़ है, मेन फॉल्ट फाइंडिंग और डायग्नोस मेथड सीखने के लिए जाइए। ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड डुअल डेकर CPU कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए जाइए। डेड मोबाइल, शॉर्टिंग वाले मोबाइल कैसे बनाते हैं, लो लीकेज कैसे पकड़ते हैं ये देखने के लिए जाइए। एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए ताकि मार्केट में कोई भी तरह का काम आए तो काम वापस नहीं जाना चाहिए आपके पास से। तो चलिए अभी हम फ़ोन को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करेंगे। अभी देखेंगे, हमारा फोन तो खुल गया पूरा, इसके अंदर CPU रिवॉल्व करे और पावर लीक हुआ था तो और भी रिवॉल्व करे, बहुत इजी वर्क है ये, तो प्रोसेस वाइज काम करे सही तरीके से तो अपना फोन पूरे तरीके से खुल रहा है। पूरा फोन ऑन हो गया इधर। Thank you.